तिरनोदी नूदी चेहरा, तिरनोदी नूदी चेहरा, शुक्रिया अदा करता हूं। खूबसूरत मजलिस मैंने नहीं देखी पहली, बहुत खूबसूरत कलाम। इलाए तशरीफ दुनिया में खैरुल बरा, हद को बातिल हुआ आमने सामने, कुफरी अब शर्म से मुंह छुपाने लगे, आए जब मुस्तफा आमने सामने, आए जब मुस्तफा आमने सामने, ओ चांद से खूब तर है रुके मुस्तफा, उनको देखा तो ये आही शान कहा। हजरत आयशा के पुत्र हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, के चांद से खूब तर है रुके मुस्तफा, उनको देखा तो ये आही शान कहा, फीकी फीकी सी लगती थी उसकी जिया, चांद जब तक रहा आमने सामने, चांद जब तक रहा आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल बरा, हक को बातिल हुआ आमने सामने, एक दिन बू जहल ने नबी से कहा, यह बता आज है मेरी मोठी में क्या, एक दिन बू जहल ने नबी से कहा, यह बता आज है मेरी मोठी में क्या, दस्ते बू जहल में कंकरी ने किया, वसीफ शाह है हुदा आमने सामने, वसीफ शाह है हुदा आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल बरा, हद को बातिल हुआ आमने सामने। कोई बात नहीं, मैं कम नहीं करूंगा, यकीन उनके बहुत थक चुके हैं, लेकिन इतना बताता चलूं कि अगर कुछ वो कमजोरी अगर इस तरह रही तो मैं जरा दुख हुआ दिल लेके यहाँ से जाऊंगा, बस मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा। अल्लाह ने प्यारे प्यारे दो हाथों से नवाजा है आपको, सही है। और मैं क्या बताऊं, हमारे पठान लोग जो है वो अपने मेहमान के लिए तकरीबन आपको पता है हर चीज पर जो है वो लड़ाई करते हैं कि भाई ये मेहमान हमारे पास हो, मैं आपका मेहमान हूँ, और मैं पहले बता चुका हूँ कि आपकी मोहब्बत ही लेके जानी है मुझे, आप थक चुके, मैं देख रहा था कब से आपको, दो बज रहे रात के, आप भी इंसान हो, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा शेर, एक मौजज़ा बयान करना चाहता हूँ। मुसलमान, अल्लाह ने दो हाथों से नवाजा है, अगर ये शेर इस काबिल है तो हाथ उठा के जरा हुजूर की अजमत को सलूट पेश करेंगे। शायर के अभी नहीं, शेर के आखिर में, मुसलमान तेरा हाथ नीचे न रहे, बहुत खूबसूरत शेर। के कुफर ने फिर उठाया ये फितना नया, हे नबी तो करे चांद टुकड़े जरा, कुफर ने फिर उठाया ये फितना नया, हे नबी तो करे चांद टुकड़े जरा, देखते देखते चांद शक हो गया,
छोटे से मकते में आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। बड़े तीसमा रखा नो आप लोगों ने, रात के 2 बजे में भी आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह रहे हो, तो आपकी तारीफ का हक तो बनता है। अपनी तारीफ पर हर कोई खुश होता है। अगर मुझे कोई कहे ना यार आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, अगरचे मैं सामने न बोलूं लेकिन दिल में उसके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इसको खुश रखे। क्या तारीफ, इसका पहला शेर। मैं एक लड़के को देखा मैंने यहाँ पे जो घुटनों के बल खड़े हुआ, शायद यहाँ कुछ लोगों को ये शेर घुटनों के बल खड़े करने पर मजबूर कर दे। घुटनों के बल खड़े होके हाथ उठा के वो अल्लाह के नाम को बुलंद करे। शायर क्या लिखता है कि दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए। इसका दूसरा शेर, ऐसी सुभान अल्लाह कि हवेली बादशाह में अल्लाह का नाम गूंजे। कि दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, लेकिन जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। जन्नत जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। अभी शोक को खत्म नहीं करना, ये शेर सुनिए। और इस बात तेरी जन्नत को देखेंगे बाद में, इस बात तेरी जन्नत को देखेंगे बाद में, पहले मेरे हुजूर का दीदार चाहिए, पहले मेरे हुजूर का दीदार चाहिए। कसम खुदा की, कसम खुदा की, जमात नमाज अदा की है ईशा की, दिल कर रहे रो रो कर आपके लिए दुआ मांगू कि जिस तरतीब से आपने मेरा साथ दिया अल्लाह आपको खुश रखे। इसके बाद एक खूबसूरत नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं थोड़ा दिमागी कमजोर हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे कलाम याद नहीं रहते, बीमार हूँ, और आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया उस
उसने हर एक मर्ज है से उसने हर एक मर्ज है से मोमिन निजात पाई उसने हर एक मर्ज है से उसने हर एक मर्ज से मोमिन निजात पाई मोमिन निजात पाई जिसने दिखा दिया जिसने दिखा दिया है झूठा 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 मेरे नबी का जिसने दिखा दिया है जिसने दिखा दिया है। वो लाल टोपी वाले भाई आपको कह रहा हूँ ये लाल टोपी वाले मैं देख रहा हूँ कब से उठ उठ के हुजूर की अजमत को सलाम पेश कर रहा कुर्बान जाऊं सुभान अल्लाह। शायर क्या कह रहा है समाअत कीजिएगा बहुत खूबसूरत शेर के बख्शी है शाह ने सी बख्शी है शाह ने सी बचपन में भी खुदा ने बख्शी है शाह ने सी बख्शी है शाह ने ऐसी बख्शी है शाह ने ऐसी बचपन में भी खुदा ने बचपन में भी खुदा ने भूरे झूला रही है भूरे झूला रही है झूला 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 मेरे नबी पठानों में सच बोलूंगा मांगा मंडी का एक प्रोग्राम शाह ने आली ऐसी है शाह ने आली साहते करम नबी की ऐसी है शाह ने आली ऐसी है शाह ने तलबा तलबा मेरे नबी का जिब्री लिखी है क्या बात अरे है शान आली ऐसी है शान आली साहते करम नबी की ऐसी है शान शान आली साते करम नबी की साते करम नबी की जिब्रील की है पल के जिब्रील की है पल के तलबा 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 मेरे नबी जिब्रील की है पल के तलबा मेरे नबी का खाती है सारी दुनिया खाती है सारी दुनिया। अब आते हैं आपको एक क्या बात नबी 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 बोल नबी नबी बोल नबी 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 बोल नबी नबी बोल नबी 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 बोल नबी नबी बोल। जंग वाले
साहबा के दीवाने मतवाले परवाने हैं। जरा देखता हूँ अभी इस शेर में आपकी मोहब्बत को, आपकी जज्बात को कि किस अंदाज से आप ऐसा शेर है कि करोड़ों का शेर है और वो करोड़ों आपकी सुभान अल्लाह है। आपका ऐसा सुभान अल्लाह कि मैं नहीं भूल पाऊंगा, वो आपको मेरे तरतीब का पता चल गया। सही है कि महबूब की बिरयान की जरा शान देखिए, अरशे परी तेरब के मेहमान देखिए, महबूब की बिरयान की जरा शान देखिए, अरशे परी तेरब के मेहमान देखिए, बकर के हिजान पे प्यारे नबी का सर, बकर के हिजान पे प्यारे नबी का सर, रखा हुआ है रहल पे कुरान देखिए, तकबीर की जरा शान देखिए, अरशे परी तेरब के मेहमान देखिए, अरशे परी तेरब के मेहमान देखिए, बू बकर के हिजान पे प्यारे नबी का सर, बू बकर के हिजान पे प्यारे नबी का सर, रखा हुआ है रहल पे कुरान देखिए, नबी 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 बोल, नबी नबी बोल, नबी 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 बोल, नबी नबी बोल। उम्र तो उम्र है, क्या लगाता था तू जब नारा लगाता था, तू 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 एक वक्त लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था। उम्र तो उम्र है, लगाओ ना नारा, उम्र तो उम्र है, उम्र है, गली गली नगर नगर उम्र, उम्र, गली गली नगर नगर उम्र। अब देखते हूँ आप इस शेर को भी हजरत सिद्दीक अकबर के शेर जैसी दाद देते या नहीं देते। शायर क्या लिखता है कि पूरा रसूल वालों का अरमान हो गया, शैतान इस नजार से हैरान हो गया, पूरा रसूल वालों का अरमान हो गया, शैतान इस नजार से हैरान हो गया, काबे में मोमिनों ने अदा खुल के की नमाज, काबे में मोमिनों ने अदा खुल के की नमाज, हजरत उमर का जिस घड़ी ऐलान हो गया, मोहम्मदीन पढ़ गए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदीना, मोहम्मदीन बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदीना, मोहम्मदीन पढ़ गए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदीना, मोहम्मदीन पढ़ गए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदीना, मोहम्मदी कोई माने या ना माने मेरे रब का ये ऐलान है, कोई माने या ना माने मेरे रब का ये ऐलान है, सबसे ऊंची सबसे आला सबसे ऊंची सबसे आला सबसे ऊंची सबसे आला मेरे नबी की शान है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदीना मोहम्मदीन पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदीना, मोहम्मदीन बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदीना, मोहम्मदीन
प्यारे आका कमली वाले जितर से गुजरा करते थे प्यारे आका कमली वाले प्यारे आका मेरे आका सोने आका मदनी आका कमली वाले जितर से गुजरा करते थे एक दफा आका का हर दीवाना मेरे नबी का हर आशिक हर उम्मती उठाए जरा दाया हाथ और मिलके सदा लगाए अल्लाह से दुआ करता हूँ या अल्लाह आज जो बंदा मेरे नबी की साथ में दाया हाथ उठा के दुरूद पाक की सदा लगाए मेरे मौला रोजे महशर उस बंदे का नाम है अमाल उसके दाएं हाथ में अदा करना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बढ़ता है भाई अगर मैं यूं भी कहूँ तो बात गलत नहीं है बदला है तो गुस्ता से नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है बदला है तो गुस्ता से नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है अगले जुमले पे दोनों हाथ उठाना अगर मेरे दिल की बात आपके दिल की बात है तो दोनों हाथ उठा के सदा लगानी है बदला है तो गुस्ता से
मदीने वाले दा नबियां दे सरदार 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 मदीने वाले दा मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा कमली वाले का हर गुलाम साथ खड़ा है या बैठा है क्या हाथ उठा के फखर से कहेगा मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा नबियां दे सरदार मदीने वाले दा नबियां दे सरदार मदीने वाले दा मैं नौकर सरकार 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 मदीने वाले दा बहुत बड़ा नाम कारी मोहम्मद इदरीस साहब तशरीफ लाए हैं। मैं कारी साहब को खुशामदीद भी कहता हूं और इंशाल्लाह अभी जब आप कारी साहब से कुरान की तिलावत सुनेंगे यकीन मानो दिल नूरो नूर हो जाएगा। अब कारी साहब भी आ गए और शेर भी ऐसा आ गया जिसमें तज़किरा कुरान का है। कारी साहब आपकी आमद बड़े मौके पे हुई है वो कि मुझे लगता है अल्लाह पाक ने आपको यही शेर सुनने के लिए अभी भेजा है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ आपकी तवज्जो का सहारा लेते हुए। शेर कहते हैं जिसने भी कुरान खुदा दा पढ़िया है 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 मिले आए परचार मदीने वाले दा मिले आए परचार सरकार मदीने वाले दा नबियां दे सरदार मदीने वाले दा ऐ नौक सरकार मदीने वाले दा ऐ नौक सरकार मदीने वाले दा। अभी हमने तिलावतें सुनी है और बड़ा ही सुरूर आया है और तिलावत में आप सब ने कुरान की एक आयत का लफ्ज सुना है जो सूरत भी है और कुरान की आयत भी है वज़ुहा। कह दो जरा सुभान अल्लाह। अब शायर का तखय्युल देखना है आपने। ताहिर भाई वसीम शहजाद अटक से आप जानते हैं हमारा भी दोस्त आपका भी दोस्त सब क्या खूब लिखता है वसीम शहजाद। तवज्जो मेरे पास नात के जुमरे में इससे बड़ा शेर कोई नहीं है। हवेली बहादुर शाह वालो इलियास भाई मैं शेर दे रहा हूँ आपके इलाके वाले हैं आपने देखना है कि हुजूर के हुस्न पे खामोश कौन रहता है ऐसा कंजूस कौन है जो नबी के हुस्न पे दाद ना दे सके। मैं शेर पढ़ रहा हूँ लिखते हैं शायर वह सोहादी सूरत सानो दसदी ये मदीने वाले दा मैं नौकर सरकार मदीने वाले।
चैलेंज तो कोई नहीं है अब्दुल मनान भाई आसिफ भाई, चैलेंज नहीं है लेकिन यकीन जरूर है कि इतना प्यारा शेर दे के जा रहा हूँ, हाथ रखो ना जुबान पे हाथ, तुम्हारी जुबान बोलने पे फिर भी मजबूर हो जाएगी। अबे तज़किरा मेरे हुजूर के हुसन का है, मेरे हुजूर के मौजज़े का है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आशिक खामोश रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चिश्ती साहब मैं जुमला पढ़ रहा हूँ, झंग वाले क्या इंसाफ करते हैं मेरे शेर से आपने देखना है। लिखते हैं शायर, अरशाते चन होते डोते के नारे, जिला कौन सा है। अब अगली बात मैंने कोई नहीं करनी, मैंने तो झंग वालों को सिर्फ शेर पेश करना है, आपके दामन में शेर डालना है, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस शेर पे जिस शेर में तस्कीरा सहाबा का है, झंग वाला मेरे साथ क्या इंसाफ करेगा इस जुमले पे, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, संभालिएगा झंग वालों, तुम्हारे दामन में जहीर फारूकी सहाबा की शान में शेर देने लगा है, तवज्जो करना। लिखते हैं शायर, मदनी दा शहजादे हकीदा, मोमिन दा शहजादे हकीदा खांदा है, मोमिन दा शहजादे हकीदा खांदा है। यहाँ बैठे हर मोमिन की बात है, मैंने मुसलमान नहीं कहा, मैंने कहा है मोमिन। झंग वालों तुम्हारे लिए तो जुमला समझाना कोई मुश्किल काम नहीं, तुम्हें समझाया तवज्जो करना। मोमिन दा शहजादे हकीदा खांदा है, मोमिन दा शहजादे हकीदा खांदा है, जनती ये जनती ये जनती ये हरियाणे मदीने वाले दा, नौक सरकार मदीने वाले दा, नौक सरकार मदीने वाले दा, नौक सरकार मदीने वाले दा, नौक महना कर बस महना कर महना
हुक्म तीन चार है मुझे और मैंने बस अपने मुख्तसर से वक्त में हुक्मों को पूरा करना है। एक एक दो दो शेर पढ़ रहा हूँ। लिखते हैं मैं हवेली भाई जी शाम में बैठा हूँ, मैं किसको कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ, मैं उसको ये भी तो कहता हूँ, कह सकता हूँ ना किसी को भी कि यार आ भंज साड़ी में फलते आ भंज साड़ी घर आ, लेकिन मैं कितने बुला रहा हूँ झंगवारो बहादुर शाह वालों शहीद फारूकी क्या कह रहा है। पूरी तवज्जो चाहता हूँ मेरे जुमलों पे गौर करना, बड़ी कीमती बातें हैं। और फिर ये ना सोचते कि रात को आया तो था पता नहीं क्या कह के चला गया। पूरी तवज्जो एक एक दीवाने की एक एक आशिक की पढ़ रहा हूँ। आवज साहबादे दर्दे आवज साहबादे दर्दे आवज साहबादे दर्दे पहले स्टेज की पूरी तवज्जो मेरा जुमला आवज साहबादे दर्दे आवज साहबादे दर्दे नबूवत दे कौन बैठा है और मेहमान कौन आ गया है, मैं भी देखूंगा। आपने भी दाएं बाएं देखना है कि मेरा शेर सुन के माथा खुशी से खिलखिलाता किसका है और माथे पे बल किसके आता है। जरा बंदा ढूंढ रहा है आपने, मैं भी ढूंढता हूँ। तवज्जो, लिखते हैं शायर। और सोहना अली, सोहना अली, सोहना अली और शोहरत
ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੁੱਖ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੁੱਖ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮਦਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾਦ ਹੈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ چمن چمن کلی کلی سہنا علی سہنا علی شوہر بطول دکھ در دیتی جنو رب دے رسول دکھ در دیتی جنو رب دے رسول دکھ در دیتی جنو رب دے رسول مدنی دا داماد ہے حسن حسین حسن حسین حسن حسین جن جی جوان سٹیج ہو حویلی بہادر شاہ کا ضلع جھنگ کا سٹیج ہو اور دیوانے سامنے بیٹھے ہوں اور ظہیر فاروقی شیر پڑے اور مجمع خاموش رہ جائے ہو نہیں سکتا ضیا بھائی آپ کوٹ چاکر سے آئے ہو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ حویلی بہادر شاہ کا مجمع کیسا مجمع ہے میں شیر پڑھ رہا ہوں لکھتے ہیں شاعر اور جس لئی دعا مگدے نبی جس لئی دعا مگدے نبی سفدر تیرا ہمیں دے پیشوا سفدر تیرا ہمیں دے پیشوا ہے نی نبوت دیر گوا ہے نی نبوت دیر گوا آمد صحابہ دے در تیرا ہے نی نبوت دیر گوا گل نہیں لیکن حضرت گل کیوں نہیں بڑھتی میں توجہ چاہتا ہوں اہل اسٹیج کی طاہر بھائی قاری ادریس صاحب آپ کے سامنے یہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں گل کیوں نہیں بڑھتی ظہیر فاروقی کہہ رہا ہے گل نہیں بڑھتی گل نہیں بڑھتی صحابہ باجو گل نہیں بڑھتی گل نہیں بڑھتی صحابہ باجو گل نہیں بڑھتی صحابہ باجو گل نہیں بڑھتی
गली दे बाजो महल नहीं बनदी नारे तकबीर गल नहीं बन दी सहाबा जो गल नहीं बन दी गल नहीं बन दी सहाबा जो गल नहीं बन दी मदी नल जान छुपावे निशानी मेरे आजम जी आपके इलाके की जानी पहचानी शख्सियत पूरे पाकिस्तान में जिस शख्सियत ने जंग का नाम रोशन किया और बड़े बड़े सनाखानों को सनाखानी सिखाई लिख कर बताया माशाल्लाह जंगी साहब शहादत साहब तशरीफ ला चुके हैं इंशाल्लाह चंद ही लम्हों में उनका कलाम शुरू होगा। मैं बस अपनी आखिरी हाजिरी के आखिरी चंद लम्हे हैं चंद सेकंड हैं पूरी मोहब्बत से शामिल हो जाइएगा। लिखते हैं शायर आपको खुश रखे जन्नत नबी दी जन्नत नबी जन्नत सिद्दीक बैठा है उठाए दोनों हाथ और मिल के जन्नत सिद्दीक Yeah.
ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾ ਪਈਆ ਆਪ ਮਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾ ਪਈਆ ਆਪ ਮਹਾਰਾ ਚੰਨ ਸ਼ਮ ਸੁਨ ਸੁਨ ਸੀ ਪਾਇਆ ਚੰਨ ਸ਼ਮ ਸੁਨ ਸੁਨ ਸੀ ਪਾਇਆ ਚੰਨ ਸ਼ਮ ਸੁਨ ਸੁਨ ਸੀ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਦੋ ਰੁਖ ਸਾਰਾ تیرے حسن سے محبوبا خود یوسف بھی قربان تیرے حسن سے محبوبا خود یوسف بھی قربان تیرے حسن سے محبوبا خود یوسف بھی قربان تیرے خلق لجے کوئی پوچھے تیرے خلق لجے کوئی پوچھے ہر بندہ نہ بولے جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے تو زہرا کے بابا تو زہرا کے بابا تو حسن حسین زمانہ تو زہرا کے بابا تو حسن حسین زمانہ جب نکل رسن گئے یاران مصطفیٰ بولو کہہ رہا ہوں آجا مومن دیکھ ذرا آجا مومن دیکھ ذرا صحابہ